फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सा लाइफस्टाइल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब भी लोग जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ चुके हैं, अभी दशहरा चल रही है, दिन करवा चौथ चलेगा, उसके बाद दिवाली चलेगी और लास्ट में जो है वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। दिवाली के बाद ही हमारे यहाँ शादियाँ शुरू होती हैं। सो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जो ये स्किन है ना, काफ़ी ज़्यादा शाइन करे, ग्लो करे इस सारे फेस्टिवल में। सो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लम ब्रांड का जो है फेस वॉश लेकर के आई हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं इसके और भी दो प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ आपके लिए। ब्रांड प्लम का ये है सेफ्रॉन एंड पपाया ग्लो ब्राइट फेस वॉश, जो कि हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग कर देगा एंड हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देगा। मीन्स हमारी जो स्किन है ना, इस फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा निखरने वाली है एंड ग्लोइंग होने वाली है। सो इसमें जो है आपको बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें है विटामिन B5 एंड B6। सो ये दोनों भी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे इस फेस्टिवल सीजन में, बिकॉज जो है ठंडी आने वाली है एंड हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड हम जब भी फेस वॉश करते हैं ना तो हमारी स्किन खिंची खिंची सी लगती है। बट इसमें जो है ग्लिसरीन है, सो इसकी वजह से हमारी जो स्किन है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट होने वाली है। एंड ये जो क्वांटिटी है ना इस फेस वॉश की, वो है 100 ml एंड इसकी जो प्राइस है वो है 249 rupees। एंड इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मिलकर के ये फेस वॉश बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मैं इसका वीडियो क्लिप आपको साइड में लगा दूंगी एंड जो है आपको पूरे इंग्रेडिएंट दिख जाएंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं एंड है आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ये ना ऑल स्किन टाइप के लिए है, सो कोई भी स्किन टाइप हो आपकी, आप इस पपाया, आप ये प्लम सेफ्रॉन एंड पपाया ग्लो ब्राइट फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई हार्म नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सेफ्रॉन जो है कितना ज़्यादा रिच होता है एंड ये जो है इस फेस वॉश में आपको सेफ्रॉन मिल रहा है, सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि सेफ्रॉन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड इसकी आपको ना जरा सी क्वांटिटी लेनी है एंड देन इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ किस तरीके का है। इसकी ज़रा सी क्वांटिटी लेनी है, फिर भी मेरे से ज़्यादा निकल गया है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ करना है, मेरे हाथ में फिर भी जो है ज़्यादा क्वांटिटी आ गई है। लेकिन आपको इससे भी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है एंड आपको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है एंड देन उसको आपको नॉर्मली वाटर से वॉश कर लेनी है एंड उसके बाद आपको अपने फेस पे टोनर लगा सकते हैं एंड आपकी सनस्क्रीन लगा सकते हैं एंड उसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट मेकअप में अप्लाई करना है वो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है प्लम का ग्रीन टी रिन्यूड क्लियरिटी नाइट जेल है। ये हाइड्रेटेड करता है हमारी स्किन को एंड रिमूव करता है हमारे एक्नी को, हमारे एक्नी से फाइट्स भी करता है एंड ये नॉन स्टिकी है एंड जेल टेक्सचर है इसका। एंड इसकी जो MRP है 195 rupees है एंड मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट से बॉटल में है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक और कैप मिल जाएगा, इसका ऊपर कवर मिल जाएगा एंड आप देख सकते हैं ये जेल टेक्सचर में है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आपको इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करने के बाद कुछ भी हैवी फील नहीं होगा क्योंकि ये नॉन स्टिकी है एंड बहुत ही लाइट वेट है क्योंकि ये जेल टेक्सचर में है, क्रीमी फॉर्म में नहीं है। सो ये मैं ना पहले भी यूज कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है ये नाइट जेल क्रीम। एंड आपको क्या करना है, आपको मैं इसको बताती हूँ कि आपको इसको यूज कैसे करना है। रात में आपको अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेना है विद सेफ्रॉन एंड पपाया ग्लो फेस वॉश से, उसके बाद आपको ये वाला नाइट जेल क्रीम रात में अप्लाई करना है अपने फेस में। ये फाइट्स एक्नी, मीन्स ये आपकी एक्नी को रोकने की कोशिश करेगा। ये कुछ इस तरीके से जेल के फॉर्म में है क्योंकि इसमें ग्रीन टी है, सो उसकी ग्रीनी ग्रीनी आपको ये जेल दिख रहा होगा नाइट जेल क्रीम एंड तरीके से है, ये जेल बेस में है एंड आप जब इसको ना अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा एंड ये नॉन स्टिकी है। सो मुझे ये वाला ना नाइट जेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भी सुबह में उठेंगे ना तो आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड ग्लोई हो जाएगी एंड
काफ़ी ज़्यादा क्लियर लगने लगेगा। आपको ये डिफरेंट खुद पता चलेगा, मेरे बताने से भी आपको उतना बिलीव नहीं होगा, लेकिन जब आप लगाओगे ना तो आपको खुद ही फील होगा कि गुड फॉर है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, एक्ने पोर स्किन के लिए, लेकिन ये नॉट गुड फॉर ड्राई स्किन के लिए। सो ड्राई स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं है। सो मैं उनको नहीं बोलूँगी कि आप ये वाला नाइट जेल जो है परचेज करिए। तो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये प्लम गुडनेस का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं आपको इसका बॉटल दिखाती हूँ। मॉइस्चराइजर जो है ये इस तरीके से पंप में आएगा। सो आपको क्या करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये भी जो है आप, ये जो मॉइस्चराइजर है वो भी ना आपको ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन एंड जो है एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा है, बट ड्राई वाले स्किन के लिए ये उतना बेनिफिशियल नहीं है। एंड तो हाउ टू यूज डॉट योर फेस विद मॉइस्चराइजर, 1 dot each ऑन फोरहेड, बोथ चीक्स, नोज एंड चिन, दैट्स 5 dots इन ऑल, जेंटली मसाज इन टू स्किन यूजिंग फिंगर टिप्स इन स्लो अपवर्ड आउटवर्ड सर्कुलर मोशन एंड अप्लाई ऑन नेक एज वेल। सो इस तरीके से आपको इसको अपने फेस पे अप्लाई करनी है। 5 dots आपको लगेगा नोज, चीक, चिन एंड फोरहेड, एंड आप नेक पे भी इसको बाद में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लीजिए एंड यू गुड टू गो। सो ये सारे प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, एंड स्पेशली ये मॉइस्चराइजर का जो मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर है प्लम गुडनेस का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पंप वाले फॉर्म में है, सो इस तरीके से ये आएगा मॉइस्चराइजर। तो आपको जस्ट 5 dots लेनी है एंड आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। सो जैसा कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से ग्लो करें, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो जाए एंड आपकी स्किन पे जितनी भी एक्ने है वो सब दूर हो जाए, एंड आपकी स्किन पे जितने डार्क स्पॉट वगैरह वो सब छू हो जाए, गायब हो जाए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। सो आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में।